स्टेप नंबर वन होगा टू हाईलाइट योर ब्राउ बोन एंड योर इनर कॉर्नर. एंड क्योंकि हाईलाइटिंग जो होती है वो शिमरी शेड से होती है, सो आई एम गोना यूज दिस फ्लैट ब्रश. सो गाइस दीज आर द स्टेप नंबर वन एंड स्टेप नंबर टू. थर्ड स्टेप इज टू डिफाइन योर क्रीज. नाउ क्रीज में हमेशा मैट कलर ही जाता है, एंड आप देख सकते हो मैट कलर है तो मैं फ्लफी ब्रश से ही अप्लाई करूंगी. एंड नाउ ये जो मैंने डिपॉजिट किया कलर, इसकी जो आउटलाइन है इसको मैं फेदर आउट कर दूंगी बाहर की तरफ ताकि सब कुछ ब्लेंडेड लगे. सो नाउ हम करेंगे फोर्थ स्टेप जो कि होगा डार्केस्ट कलर आपके आउटर कॉर्नर में. आप देख सकते हो आउटर कॉर्नर में मैंने बिल्कुल वी शेप में अप्लाई किया इसको, एंड इसको मैंने क्रीज कलर के साथ मर्ज कर दिया. स्टेप नंबर फाइव विच इज गोइंग टू बी टू अप्लाई शिमरी शेड ऑन योर आईलिड. यहाँ पे आप मैट शेड भी अप्लाई कर सकते हो, शिमरी शेड भी अप्लाई कर सकते हो. सो इट्स टोटली अप टू यू, बट ऑलवेज मेक श्योर क्रीज के ऊपर और आउटर कॉर्नर के ऊपर कभी भी शिमरी शेड नहीं जाएगा. सो नाउ आई एम गोना अप्लाई माय काजल, एंड लास्टली आई एम गोना ऐड गुड कोट्स ऑफ मस्कारा. तो गाइस दिस इज हाउ दिस आई मेकअप लुक्स.